नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मिर्जापुर में हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के महेश भट्टाचार्य इंटर कॉलेज अकोली में 75वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि लोलारक सिंह के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। माँ सरस्वती एवं महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करके सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व के शुभ अवसर पर उपस्थित विद्यालय प्रांगण में सभी लोग मुख्य अतिथि रूप में पधारे। प्रबंधक लोलारक सिंह, विशिष्ट अतिथि मनोज जायसवाल, गिरिजा शरण सिंह, अध्यक्ष माता बदल सिंह, अकोली ग्राम प्रधान सतीश तिवारी, प्रोफेसर शिव कुमार सिंह, विद्यालय के प्रधानाचार्य गोविंद सिंह, सांस्कृतिक प्रोग्राम के मंच संचालक रवि प्रकाश सिंह, अध्यापक गण जितेंद्र सिंह, राजेश सिंह, डॉक्टर संजय कुमार मिश्र, अमित सिंह, रजनीश शुक्ला, महेंद्र कुमार सोनकर, चंद्रशेखर सिंह, विकास केसरवानी, अनुराग प्रजापति एवं अन्य सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। गाँव के सम्मानित गण राममणि व्यास, कौशल तिवारी, अशोक सिंह, कमलेश सिंह, तीर्थराज सिंह, डब्लू सिंह, साजन सिंह, अनिल शुक्ला इत्यादि उपस्थित थे। विद्यालय के बच्चों ने गणतंत्र दिवस को बहुत धूमधाम से मनाया। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। बच्चों ने देशभक्ति गीत व नृत्य प्रस्तुत करके सभी को भाव विभोर कर दिया। विद्यालय की ओर से उपहार देकर बच्चों का उत्साह वर्धन भी किया गया। स्काउट के बच्चों के द्वारा मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय पर्व के शुभ अवसर पर बच्चों को विद्यालय में मिष्ठान वितरण भी किया गया। सभी छात्र छात्राओं में राष्ट्रीय पर्व को लेकर काफी खुशी देखी गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य गोविंद सिंह के द्वारा गणतंत्र दिवस के बारे में बताया गया। बच्चों को पढ़ने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो उसे दूर किया जाएगा। अकोली के प्रोफेसर शिव कुमार सिंह के द्वारा बच्चों को कठिन परिश्रम करने की प्रेरणा दी गई। अकोली के तीर्थराज सिंह के सौजन्य से सरकारी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने पर हर वर्ष स्मृति चिन्ह दी जाती है। इस वर्ष भी 4 लोगों को ये प्रदान किया गया। मिर्जापुर जिला ब्यूरो चीफ त्रिलोकी नाथ सिंह की रिपोर्ट।